ओम शांति। आप सभी भी कहेंगे ओम शांति। छियासीवीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत लंबे टाइम से आप सुन रहे हैं कि शिव पिता परमात्मा इस धरा पे आया हुआ है, अपनी गीता के वायदे के अनुसार आया है। गीता के अंदर वायदा था उसका कि मैं धर्म गिलानी के समय पर आऊंगा। धर्म गिलानी इससे बढ़ के और हो नहीं सकती। धर्म के नाम पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम सुनते रहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन इसके नाम पे लड़ाई झगड़ा क्यों? वास्तव में धर्म का अर्थ है धारणा, कि जो हम जिस धर्म ने हमें उपदेश दिया जो भी, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, तब आप परमात्मा के समीप जा सकते हैं। अभी आप गीत के माध्यम से सुन रहे थे विजय भाई जी से कि शिव बाबा के हवाले अपने बुरे संस्कार कर दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या भय आलस अवेलापन डर आज हम सबके अंदर है, उनको शिव बाबा के हवाले करो। इसलिए शिव के ऊपर आपका दतूरा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसमें तीन बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं शिव बाबा करके। हमें तीन बातें नहीं सिखाते हैं कि अपने बुरे संस्कारों का विनाश कर दो, अच्छे संस्कार धारण करके उनकी पालना करो। इसीलिए शिव को शास्त्रों के अंदर कहा गया, हमारे गुरबानी में हमारे सिख भाई बहुत अच्छा बताते हैं कि इक्को माई जगत व्ययी तीन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। और हमारी हिंदू संस्कृति बताती है गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना और विनाश। लेकिन परमात्मा शिव ने कहा है कि आप सभी रोज इन तीनों संस्कारों को जीवन में धारण करो। ब्रह्मा भी खुद बनो, विष्णु भी खुद बनो और शंकर भी बुरे संस्कारों का विनाश करने के लिए खुद बनो। लेकिन हम चेक करें क्या हम ऐसा करते हैं? रोज बुरे संस्कार को खत्म करने की प्रतिज्ञा करो, नया संस्कार धारण करो और फिर इसकी पूरा दिन पालना भी करो। यानी कि सुबह सुबह संकल्प किया पूरा टाइम उसकी पालना भी करनी होगी। जो इस विद्यालय के अंदर डेली जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, पॉजिटिव थॉट हमें देती है कि आपने अपने जीवन को सुख में कैसे बनाना है, शांति में कैसे बनाना है। आज तक हम सभी इस धारणा पे चलते आए कि परमात्मा इस दुनिया के कण कण में विराजमान है। आज आप देखें, परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता, इस दुनिया के कण कण में विराजमान होता, तो आज इस दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा, इतना पापाचार, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार ना होता, दुनिया इतनी दुखी ना होती। तो आज हम सब के अंदर पांच विकार सर्वव्यापी हैं।
हर एक के अंदर मिलेंगे जिस कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपका हम शास्त्रों में सुनते आए कि जब जब इस संसार में भ्रष्टाचार फैला, अत्याचार बढ़ा, तो उसको मिटाने के लिए किसी ना किसी महापुरुष ने बता दिया, उसने मिटाया। लेकिन आप इस सृष्टि पर अति पापाचार, अति भ्रष्टाचार, अति अत्याचार है, उसको मिटाने के लिए कोई महापुरुष नहीं, उस परम पुरुष को आना पड़ता है, जिसकी महिमा में गाया जाता है एक ओंकार सतनाम। वो एक है, वो निराकार है, सतनाम सच्चा नाम उसी का है। अकाल मूर्त जिसे काल नहीं खाता, जो हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इन सब बुराइयों से दूर, सुख दुख से दूर, जन्म मरण से दूर, हानि लाभ से दूर, इन सब बातों से परे है, इसलिए वो परमात्मा है। हम सभी आत्मा है, आत्माएं हैं। आत्माओं का बहुवचन है, देवात्माएं, महान आत्माएं, लेकिन परमात्मा सिंगुलर है, कोई बहुवचन नहीं है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, सत्य का नाम परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, और वो एक है। हम सब आत्माएं अनेक हैं, लेकिन आज हम इस भ्रांति में आ गए। देव आत्माओं को, जिन्होंने भगवान जैसे गुणों और ज्ञान को जीवन में धारण किया, हम उन्हीं को भगवान मान लिया। लेकिन भगवान के एक एक शब्द को देखो, वो पांच तत्वों से परे की जो चीज है वो भगवान है। भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, आ अर्थात आकाश, न अर्थात नीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। शरीर इन पांच तत्वों से बना, लेकिन भगवान का टाइटल उसका है जो इन पांच तत्वों से परे। इसीलिए आप देखते हैं जब शिव की मूर्ति की स्थापना होती है, बाकी सब देवी देवताओं को द्वार से लिया जाता है, लेकिन शिव को द्वार से प्रवेश नहीं करवाया जाता, ऊपर से लिया जाता है। शिव परमात्मा ऊपर से आते हैं, गर्भ के द्वार से नहीं आते हैं। किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, जन्म मरण के चक्कर से दूर है, क्योंकि उस मात पिता का स्थान ऊंचा हो जाता, जो मात पिता उस परम हस्ती को जन्म देते, लेकिन परमात्मा से ऊंची शक्ति कोई है ही नहीं। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान तो है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, सर्व शक्तियों से भरपूर करता है। जिस बच्चे के अंदर अपने बाप के सारे गुण हों, सारी शक्तियां हों, सारे संस्कार हों, शक्ल भी मैच करती हो, उसको लोग क्या कह देते हैं, आम भी दुनिया में भी, कि ये तो बिल्कुल फलाना अपने बाप जैसा है, बाप ही है, ऐसा लगता है, डिटो है। लेकिन बाप जैसा तो हो सकता है, लेकिन बाप नहीं हो सकता। आज हम सभी क्या कहते हैं, हमारा आपस में भाईचारा है। अगर बाप सबके अंदर हो, जो सर्व आत्माओं का पिता है, तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि हमारा आपस में बाप चारा है। जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब बाप बाप तो नहीं कहा। हम आत्माएं सब एक ही पिता की संतान हैं। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्माओं का पिता एक है, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई।
हमारा वो पिता है जो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, दुख हरता सुख करता है। आज हम सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, पिता के बच्चे, और हम सुखी हैं, शांत हैं, सबसे बराबर प्रेम कर पाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना को ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित हो। हम ढाई अक्षर प्रेम के प्रैक्टिकल में जीवन में धारण नहीं कर पाए, क्योंकि हम आपस में जाति पाति का भेद, रंग भेद, अमीर गरीब का भेद, देश विदेश का भेद, इन सब बातों के भेदभाव में आ गए, जिस कारण ये देह की दीवारें आने के कारण, धर्म की दीवारों के कारण हम उस परम पिता परमात्मा को रियलाइज नहीं कर पाए। तो आज समय है रहते वक्त जीवन में इन ज्ञान गुण प्रेम सुख आनंद शक्ति इन सब बातों को जीवन में धारण करके और बुराइयों की बलि चढ़ा दे भगवान पर, अपने बुरे संस्कार विकार सब तेरे द्वार खड़ा भगवान, पांच विकारों का दे दो दान। वो खुद मांगने आया है, हमेशा ये असूल है कि प्यासा सागर के पास जाता है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं वो सागर हम प्यासों के पास आए हैं। हमारी प्यास बुझाने के लिए हमारे पास वो आंख नहीं थी, हम उसको नहीं ढूंढ पाए, नहीं पहचान पाए थे, उसने आकर के हमें ढूंढा है। भगवान को सारी दुनिया याद करती है, कॉमन सी बात है, लेकिन आप वो चुनिंदे रतन हैं, वो कोटों में कोई में आत्माएं हैं जिनको भगवान याद करता है। ताली तो बजाओ अपने लिए, आपको भगवान याद करता है। आप उसकी पॉकेट डायरी के मेंबर हैं। आम जनरल डायरी तो बहुत सारी होती है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, लेकिन जो पॉकेट डायरी होती है, पर्सनल डायरी होती है, उसमें हमारा नाम है। जो इस मानवता को प्यार करते हैं, जो उसकी बनाई रचना को प्यार करते हैं, वो उनसे प्यार करता है। एक बार राजा अबू हसन सोए हुए थे, सपने में देखा एक फरिश्ता कुछ लिख रहा था। कहा, आप क्या लिख रहे हैं? कहता, मैं उन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को याद करते हैं। कहता, अच्छा ये लिस्ट मेरे को दिखाना। देख लेना, उसको दिखाई गई लिस्ट, उसका नाम कहीं नहीं था। दूसरे दिन फिर सोया, फिर वही फरिश्ता देखा, फिर से नाम लिख रहा था कि आज आप किन के नाम लिख रहे हैं? कहता, मैं उन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं जिनको भगवान याद करता है। ये लिस्ट भी मुझे दिखाएंगे? कहता, हाँ आज भी देख लेना। उसने मन में सोचा कि जब मैं नहीं भगवान को याद करता, भगवान मुझे कैसे याद करता होगा। लेकिन जब लिस्ट देखी, सबसे ऊपर उसी का नाम था। क्यों? उसने क्वेश्चन किया कि मैं तो कभी आपको याद नहीं किया, आप मुझे कैसे याद करते हैं? कहा, जो मेरी रचना को प्रेम करते हैं, तो मानवता को प्रेम करता है, तो इन आत्माओं से प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे प्रेम करता हूं। इसलिए आज ये गांठ बांध लो कि जाति भेद, रंग भेद, अमीर गरीब का भेद, देह की दीवारें ये सब तोड़ देंगे, ये बलि चढ़ा देंगे। हम एक पिता की संतान, हम सब का सद्धर्म, शांति, प्रेम, पवित्रता ही, इसको जीवन में अपनाएंगे,
मैं एक बात जरूर सुनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ गांव-गांव में, बहुत जगह जाना होता है, लोग हमारे से पूछते हैं कि आपके पास ये जाति के लोग भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। मैं कहा करती हूँ, एक ने किसी ने पूछा आपके पास हरिजन आते, मैं कह संधि विषय करके तो देखो, हरि प्लस जन, हरि माना परमात्मा, जन माना बंदे, हम सब परमात्मा के बंदे। अब अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। पर पंजाबी में कहते हैं अल्लाह वैगुरु गुरु का नाम एक है, पर मच गई दुनिया कि परमात्मा तो एक था, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वैगुरु कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने ईश्वर कहा। कोई बच्चा, कोई अपने डैडी को डैडी कहता है, कोई पापा जी कहता है, कोई बाऊ जी कहता है, कोई पिताजी कहता है, नाम तो कुछ और होता है। ऐसे ही अल्लाह वैगुरु खुदा ईश्वर ये नाम नहीं है, ये बुलाने का तरीका है, लेकिन उसका असली नाम सदा शिव है। शिव का अर्थ है कल्याण करे, जो आकर हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं। शंकर जी तो विनाश कर रहे, शंकर जी के लिए क्या सुना आपने कि जब उसका तीसरा नेत्र खुला तो सारी दुनिया में परले हो गई। और शिव का तो अर्थ ही कल्याण करिए, अपने बच्चों का विनाश कौन करता है? आप अपने बच्चों को पैदा करेंगे, पालना करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन विनाश अपने हाथों से नहीं कर सकते। इसलिए परम पिता शिव परमात्मा कल्याण कर रही है, विनाश कर ही नहीं है। और आज तक हम सभी ने शिवरात्रि मनाई है, शंकर रात्रि कभी नहीं मनाई, शिव शंकर रात्रि भी नहीं मनाई। अगर एक ही बात है तो शंकर रात्रि क्यों नहीं? उसने क्या गुनाह कर दिया भाई? अगर एक ही टाइटल है, उनका नाम अलग, धाम अलग, काम अलग, वो परम धाम के रहने वाले हैं शिव पिता परमात्मा, और शंकर जी सूक्ष्म दुनिया के रहने वाले हैं, आकारी दुनिया के रहने वाले हैं, और वो विनाश करते हैं, वो कल्याण करते हैं। आने का समय भी अलग अलग है, सब कुछ अलग है। इसलिए बहुत सुंदर कहा, शिव शंकर को एक मानते भक्त बने नादान, शिव शंकर को एक मानते भक्त बने नादान, करते पूजा लिंग की शिव की नहीं पहचान। पूजा करते आ रहे हैं लेकिन शिव की पहचान नहीं थी। अच्छे स्थान को शिवालय कहते हैं, शंकरालय तो नहीं कहते। शिव पुराण लोगों ने पढ़े होंगे लेकिन शंकर पुराण कभी नहीं पढ़ा। ब्रह्मा देवता है नमे, विष्णु देवता है नमे, शंकर देवता है नमे, लेकिन शिव देवता है नमे कभी नहीं कहा। शिव परमात्मा है नमे, या ओम नमो शिवाय उसका जाप करते हैं, माना वो परमात्मा है। आज हम सभी इस शिवरात्रि को ऐसा सार्थक बना दे, वर्षों से जन्म जन्मांतर से मनाते आ रहे हो लेकिन आज बेलपत्र बैर चढ़ा दे। सब अपना ही परिवार है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। आज जे वैर भाव, ईर्ष्या भाव, जे सब कुछ आज उसको स्वाहा कर दे तो इस बार की शिवरात्रि सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। रोज इस पे स्नान करते, व्रत रखते, जागरण करते, हम ज्ञान स्नान रोज करें। स्नान करो, शरीर को स्नान करवाने से सिर्फ शरीर पवित्र होता, लेकिन ज्ञान स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। व्रत करो बुराइयों का। कल परमात्मा के महावाक्य उच्चारण हो रहे थे माउंट आबू से, हमारे मुख्यालय से, कह रहे थे कि परमात्मा का जन्मदिन है, उसको क्रोध की गिफ्ट दे दो।
गिफ्ट दी जाती है तो गिफ्ट दे रही है, सौगात दे रही है हमारे लिए, तो वो स्वर्णिम भारत की सौगात ले आया है। वैसे में आप पढ़ रहे हो आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर महाशिवरात्रि के पर महोत्सव पर। आज ये संकल्प करें हम सब मिल करके शिव बाबा को अपने विकारों की आहुति बलि दे करके हम इस दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बना देंगे। जिसका गायन है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वो भारत देश मेरा। इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, लेकिन परमात्मा सर्वात्माओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप सर्वात्माएं इसमें सहयोग की अंगुली दो। तुझे धरा जल्दी ही स्वर्णिम धरा हो जाएगी। इस स्वर्णिम धरा को बनाने में जरूरी चीज है कि उस रामराज्य के अंदर, उस दैवी स्वराज्य के अंदर कोई भी विकार का, दुख का, अशांति का, रोग कष्ट का नाम निशान भी नहीं होगा। अभी से हमें ये सब कुछ शिव पिता परमात्मा को स्वाहा करके ऐसा जीवन पहले खुद का बनाना है, फिर इस दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। फिर दुख होते हुए भी आप दुख को कभी भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप पहले स्टोरी सुन रहे थे ना कि भगवान को शिकायत नहीं करना, हमारे संजय बटला भाई जी सुना रहे थे। इसके ऊपर एक और बात आती है कि कोई वर्कर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मेन व्यक्ति वहां खड़ा था, ऊपर सुपरवाइजर था, वो देख रेख कर रहा था। उसको अपने वर्कर को नीचे कुछ कहना था, लेकिन कैसे कहे। उसने पहले 5 का सिक्का गिराया, 5 का नोट गिराया। उस वर्कर ने जो नीचे खड़ा था उसने वो 5 का सिक्का उठाया और अपनी जेब में डाला, चलता बना। उसने कहा इसने तो ऊपर देखा नहीं जो मैं बात समझा दूं, कुछ कह दूं। फिर वो 100 का नोट गिराया, उसने वो उठाया जेब में डाला, छुट्टी। 100 का नोट मिला, चलो अच्छा हो गया। सुपरवाइजर ने कहा इसने फिर भी नहीं देखा। फिर उसने क्या किया, एक मोटा सा पत्थर गिराया, उसके सिर पे जाके लगा, फिर ऊपर देखा, भगवान को गाली देने लगा कि भगवान तुमने मेरे सिर पे इतना सारा पत्थर मार दिया। उस समय याद नहीं आया। सुख के समय पे हम उसको याद करते नहीं। जब सब प्राप्ति होती है उसका शुक्रिया करना सीखो, दुख के समय पर शिकायत उसी को करते हैं। अगर अच्छे कार्य के जिम्मेवार मैं हूं कि वाह मेरा भाग्य मुझे ये रोड खड़े खड़े मिल गया, तो बुरे काम, अगर कोई बुरा फल मिला उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूं। इसलिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, तो दुख के समय पर प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो हमें दुख के समय पर अपनी गोद में उठा लेंगे, हमें चलने का कष्ट भी नहीं देंगे। वो तो दुख हरता सुख करता है। आज हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हम सभी उस दुख हरता सुख करता की महाशिवरात्रि त्रिमूर्ति शिव जयंती जयंती को कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे लिए रात बीत गई, हमारे लिए ये रात नहीं है। परमात्मा अज्ञानता की रात में आकर ज्ञान की रोशनी दे दी। इसलिए हम सबकी ये शुभकामना है, शुभ भावना है कि आप सब भी धरा पे आए भगवान को पहचान करके अपना नाता ऐसे जोड़ो और अपनी बुराइयों की आहुति दे दो, अच्छे संस्कारों को जीवन में धारण करो, तो वो दिन दूर नहीं जो इस तरह पर
स्वर्गीय धरा होगी, स्वर्ग होगा जहाँ सुख चैन की बंसी बजेगी। आज हम सभी जिन मिलकर के संकल्प करेंगे, ओम शांति, ओम शांति।